दोस्तों, बॉलीवुड के मोस्ट फिट एक्टर टाइगर श्रॉफ एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन पर अपने बागी तेवर को दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। टाइगर के हिट फ्रेंचाइजी बागी की चौथी किस्त का जो ऐलान किया गया, जहां एक्टर का एक खूंखार अंदाज आप सभी को देखने को मिलने वाला है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गॉसिप अली गैलरी में। फर्स्ट लुक से ही फैंस के बीच बज क्रिएट कर दिया है और एक्साइटमेंट का लेवल इतना हाई है कि सभी फिल्म के ट्रेलर के इंतजार में टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं। टाइगर श्रॉफ खूंखार अवतार में आपको नजर आ रहे हैं। उनका लुक इस एक्शन में देख सकते हैं जिस तरीके से बागी 4 का एक्शन भरपूर होने वाला है। पोस्टर में टाइगर एक बाथरूम में कमोड सीट पर बैठे, हाथ में खून से सना बड़ा सा चाकू, दूसरे में शराब की बोतल। वो टॉयलेट सीट पर बैठे इंटेंस लुक लिए नजर आ रहे हैं। उनका चेहरा दीवारें और फर्श तक खून से लथपथ, तो आसपास लाशों का ढेर लगा होना। टाइगर का खतरनाक सिक्स पैक लुक देखते ही फैंस सरप्राइज हो गए, क्योंकि इस अवतार में दर्शकों ने टाइगर को कभी नहीं देखा। एक्टर ने खुद को कैप्शन के जरिए ये भी लिख दिया कि ऐसा कुछ भी इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। टाइगर ने एक गहरी भावना, एक खूनी मिशन, इस बार वो वैसा नहीं, साजिद नाडियावाला की बागी 4 की बात कर रहा हूं, जो आने वाली 5 सितंबर 2025 यानी कि अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। हाल ही में टाइगर रोहित शेट्टी के सिंघम अगेन में इंस्पेक्टर सत्या यानी अजय देवगन का लक्ष्मण बने दिख रहे थे। एक्टर को तारीफ मिली, लेकिन साल 2021 से उनके करियर पर लगे ग्रहण को कोई दूर नहीं कर पाई, मगर इस हिट मल्टी स्टार फिल्म में उनके करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं। एक्टर की 2021 में कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। इसके बाद हीरोपंती 2 में तारा सुतारिया के साथ नजर आए, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। लेकिन टाइगर बागी 3 की बात करूं, टाइगर की आखिरी हिट जो साल 2020 की फिल्म थी, लेकिन उसके बाद अब ये बागी 4। तो आई होप कि आपके बहुत सारी उम्मीदें हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमारी मेहनत के वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर नए पधारें, जल्दी से रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और हाँ, ये बेल आइकन जरूर दबाइएगा, सारी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहेंगी।